सब्सक्राइब करें एक्सपेट्रिएट न्यूज़ चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि अब तक हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपेट्रिएट्स न्यूज़। दोस्तों, हम ईकॉमर्स के ज़रिए जो अपना सिम कार्ड ख़रीदते हैं, इसका अब से 6 महीने पहले कुछ ऐसे रूल था कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। आप जितने चाहे उतने सिम कार्ड ख़रीद लो, मतलब कोई लिमिट नहीं थी। 2, 4, 6, 8, 10, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक था ये। बट अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि 2017 1 जनवरी से ये रूल नया लगा है सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक एक्सपेट्रिएट या एक खारजी जो बाहर के रहने वाले हैं, वो सिर्फ 2 ही सिम अपने इकामे पे रख सकते हैं। इसके ज़्यादा सिम रखने का उनको हक नहीं होगा। अगर कोई और अदर कंपनी की सिम चाहिए तो आपको पहले एक सिम कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब उन दो ऑप्शन ही आपके पास, उससे ज़्यादा है नहीं। रिसेंटली फ़िलहाल आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास पहले से 3, 4 सिम चल रही है आपके इकामे पे 2017 जनवरी के पहले से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलती रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे इकामे पे खुद 3 सिमें हैं जो कि पहले की हैं, पुरानी, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनमें, सही चल रही है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि जिनके इकामे पे एक भी सिम कार्ड था और वो दूसरा सिम कार्ड लेने गए, मैंने कुछ ऐसी कंप्लेंट सुनी है, तो उनको शॉपकीपर ने बोला कि आपके इकामे पे ऑलरेडी 4 सिम है, क्या 3 सिम है, 5 है, तो आपको नई सिम नहीं देंगे। लेकिन उनको, अगर वो उसकी डिटेल लेना चाहे तो वो डिटेल उनको नहीं मिलती वहाँ शॉपकीपर से, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पूरी डिटेल देंगे कि आपके इकामे पे इस नंबर की ये सिम कार्ड जो है रजिस्टर्ड है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि अभी आदमी उसको पता चल गया कि मेरे इकामे में 5 सिम है, बट प्रॉब्लम यह है कि क्या है, कैसे है, किस कंपनी की है, कौन उसको यूज़ कर रहा है, क्या नंबर है और कैसे कैंसिल कराएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि किस कंपनी की सिम है। क्योंकि जिस भी कंपनी की सिम है तो पार्टिकुलर आपको उसी के ऑफिस में जाना है। अगर जैन की सिम है तो जैन में जाएंगे, एसटीसी में थोड़ी ना जाएंगे। और अगर सपोज करो मोबाइल की सिम है तो जैन में नहीं जाएंगे, आपको पार्टिकुलर उसी ऑफिस के अंदर जाना है कैंसिल कराने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप पता कैसे करेंगे। तो इसका जो है हल मेरे पास है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ आज कि आप अपने इकामे पे रजिस्टर्ड कितने सिम है, वो सिर्फ कंपनी के नाम नहीं, आप उस नंबर को भी जान पाएंगे। फिर आपको क्या करना है आप डिसाइड करेंगे। आप उस नंबर पे कॉल करें, उस बंदे को बोले वो सिम आपको दे रहा है या वो सिम आपको नहीं दे रहा है, तो आप उसको बंद करा सकते हैं जा कर के पार्टिकुलर उसी कंपनी के ऑफिस में, ठीक है ना, जिस कंपनी का वो सिम है वहाँ जाके। अगर सपोज़ करो आपके ऊपर फर्जी तरीके से 3 सिम कार्ड रजिस्टर्ड है, मोबाइल का, जैन का और एसटीसी का, तो आपको तीनों ही ऑफिसेज में जाना पड़ेगा उसके लिए, कैंसिल कराने के लिए। लेकिन उसकी डिटेल कैसे लेंगे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। उसके बाद आप उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लेके वहाँ पर दिखा देंगे, उसके बाद वो खुद भी चेक कर लेंगे। तो आप देखते रहिए, मैं आपको आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे चलना होगा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर। ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया है और ये जो साइट की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, हमेशा की तरह जैसे मैं अपनी सभी वीडियोस में देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी, अभी ये क्या है, ये इंग्लिश में है, पूरी साइट जो है ना इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको कई बार जो है ना खोल के देखा साइट को, कि किसी बार ही इंग्लिश में आती है तो अगली बार अरबी में आएगी, मतलब ऑटोमेटिक। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसकी जो है ना सेटिंग आपको लिंक दे दूँ इसकी सेटिंग करके अरबी में, उसमें इंग्लिश में, सॉरी। तो यहाँ पर अभी अरबी आ रहा है चेंज करने के लिए, फिर यहाँ पर सेम इंग्लिश आएगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट अरबिक में खुल रही है तो इसको चेंज कर लेंगे आप। अभी उसका थोड़ा ख्याल कीजिएगा, आपके फ़ोन के अंदर जब इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा सा फंड जो है बदल जाता है, ऑप्शन थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, बट वेबसाइट वही है तो आपको वही चीज़ मिलेगी उसके अंदर भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे हम, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आ रहा है आईडी नंबर, यहाँ पे मैं अपनी आईडी नंबर एंटर कर रहा हूँ, इकामा इकामा का नंबर एंटर कर रहा हूँ।
जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने अपना इकामा नंबर एंटर कर दिया। अब इसके सीधे मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे मांग रहा है मोबाइल नंबर। अब ये मोबाइल नंबर कौन सा है? ये मोबाइल नंबर वो है आप जो है, मतलब आपके पास जो आपने अपने इकामे पे रजिस्टर्ड एक नंबर करा है, कोई भी कंपनी का हो ये कोई मैटर नहीं करता है। अब सिर्फ वो अपने इस ये आपने सामने जो इकामा नंबर भरा है उस इकामे पे आपके पास कौन सी सिम है वो आप इसके अंदर नंबर डाल दिए। सिर्फ एक कोड भेजेगा आपके नंबर पे वेरीफाई करने के लिए कि ये नंबर आप अपने ही यूज़ कर रहे हैं या नहीं इकामा, बस इतनी सी बात है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर दिया, ठीक है जी। अभी यहाँ नीचे आएंगे तो ये जो इमेज का कोड है वो मांग रहा है, जैसा कि सभी में मांगता है। जहाँ भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे किसी भी तरह की, ये इमेज सभी जगह दिखती है। तो ये मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं इस पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर मोबाइल। तो अब इस साइट से मेरे फ़ोन पे कोड आ गया है और मैं इस कोड को जो है अब एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, डियर यूज़र रजिस्टर्ड नंबर फॉर द आईडी, ये मेरा इकामे का नंबर है, ये भी बता रहा है यहाँ पे 123 रजिस्टर्ड नंबर, ये नंबर से मेरे, और ये सर्विस प्रोवाइडर ये जैन है और ये वर्जिन है। ये वर्जिन जो है ना, ये फ्रेंडी मोबाइल जो है ना, ये वर्जिन है, कंपनी है, इसने फ्रेंडी ने यहाँ पे नेम चेंज किया है अपने, ये वर्जिन है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो ये दो नंबर मेरे फ्रेंडी के, एक जैन का है। तो इस टाइम भी आप देख सकते हैं 3 नंबर मेरे इकामे पे अभी मौजूद है, जो कि ये 2016 के स्टार्टिंग से पहले के हैं। आज की डेट में मेरे नंबर पे कोई मतलब इकामे पे कोई सिम नहीं निकल पा रही इस टाइम, क्योंकि वो पहले ही बोल रहे हैं कि ये फुल हो गया है आपका। तो अगर मुझे एक सिम और चाहिए अभी तो मुझे 2 सिमें कैंसिल करानी पड़ेंगी इस पे से। तो बस जैसे चल रहा है मैं इसको चलने दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा ये कैसे क्या है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इकामे का नंबर डालेंगे और वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास है और आपके इकामे से अटैच है, वो रजिस्टर्ड है आपके इकामे पे, वो डालेंगे। सिंपल एक एक 4 डिजिट का 4 नंबर का कोड आएगा, वो कोड इसमें डाल के फिर दोबारा सर्च पे ओके कर देंगे। तो बस बिल्कुल सिंपल है और ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। अब आगे आपको अब किस कंपनी के आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अब उसके फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर बंद करा सकते हैं, या जैसे कि आपको नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके इकामे पे भी निकल के आएंगे, आप उनसे कॉल करके बात कर लीजिए। वो आपको अगर वो सिम दे दे तो वो बेहतर है, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी ज़रूर, तो इस वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।